बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स के बारे में है। किडनी प्रॉब्लम्स में जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, किडनी स्टोन, सेकंड नंबर पे रीनल फेलियर और थर्ड नंबर पे हम यूरेमिया डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स, सादा लफ्ज़ों में हम इसको गुर्दे की पथरी का नाम भी देते हैं। अब किडनी के अंदर स्टोन्स क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? किडनी का फंक्शन हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है या यूरिन फॉर्मेशन है। जब यूरिन के अंदर यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जब यूरिन के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो सॉल्ट्स इकट्ठे होकर स्टोन या क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, जिसको फिर हम किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी का नाम देते हैं। और ये गुर्दे की पथरी बाद में मुश्किलात पैदा करती है यूरिन को पास करने में, यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है। अब वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ यूरिक एसिड अगर बॉडी में ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर इसकी एकुमुलेशन हो जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टोन फॉर्मेशन भी कहलाती है। जब स्टोन बन जाता है तो वो यूरिन को यूरिनरी ट्रैक में से पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से इंसान तकलीफ का शिकार हो जाता है। कुछ और कंडीशंस भी हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। नंबर एक हाइपरकैल्सीमिया के नाम से है, और नंबर टू हाइपरऑक्सिलोरिया के नाम से है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, कैल्शियम सॉल्ट्स का बढ़ जाना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाना, उसको हाइपरकैल्सीमिया का नाम दिया जाता है। हाइपरऑक्सिलोरिया मतलब ऑक्सलेट सॉल्ट्स का की कंसनट्रेशन का ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाना स्टोन फॉर्मेशन की वजह बनता है। यहाँ पे इंसिडेंस लिखे गए हैं टाइप्स ऑफ स्टोन्स के हवाले से कि कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन फॉर्मेशन, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से स्टोन फॉर्मेशन के जो चांसेस होते हैं वो 70% होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से 15% होता है, और यूरिक एसिड जो है उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन 10% होती है। इसके अलावा ये जो ऑक्सलेट का हमने ज़िक्र किया कि हाइपर ऑक्सिलोरिया या ऑक्सलेट सॉल्ट्स की वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो ये ऑक्सलेट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर और टोमेटो के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉजेज़ क्या हैं किडनी स्टोन की। जनरल कॉजेज एज फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा डाइट, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सलेट सॉल्ट्स जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर मौजूद होते हैं, टोमेटोज़ के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो या डी की, तो उसकी वजह से भी सॉल्ट अकुमुलेशन होने की वजह से स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। सेकेंड कॉज हो सकती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। थर्ड, पानी समटाइम लोग कम लेते हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पानी कम हो जाती है, इसमें सॉल्ट की स्टोन फॉर्मेशन की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजम्पशन। जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, उनमें भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं, इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले तो ये कि सम टाइम किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की वजह से किडनी में पेन स्टार्ट हो जाता है, अगर किडनी में स्टोन हो। अगर वो किडनी से निकल के यूरेटर में आ जाएँ तो यूरेटर के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो शो होता है पेन इन लोअर एब्डोमेन की फॉर्म में। इसी तरह से वॉमिटिंग भी होती है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन भी, और फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का मतलब है बार बार यूरिन का आना। फाउल स्मेल ब्लड पास इन यूरिन, जिन पेशेंट्स में किडनी स्टोन होता है उसकी वजह से उनके यूरिन से फाउल स्मेल आती है, और इसके साथ साथ ब्लड और पस सेल्स भी यूरिन में एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्योर्स या ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स के हवाले से। यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है जिसको लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है। कुछ साल पहले तक किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती थी, लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्निक आपने पढ़ा भी होगा, बैनर्स पे लिखा होता है कि बग़ैर ऑपरेशन पथरी का इलाज, बग़ैर ऑपरेशन पथरी के इलाज को बेसिकली लिथोट्रिप्सी कहा जाता है।
नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। अब उसमें दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली टेक्निक लिथोट्रिप्सी में जो इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दूसरी टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है परकोटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी उसको कहा जाता है। लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया है जो आपके रेलेवेंट है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली या कॉमनली जो टेक्निक इस लिथोट्रिप्सी के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहलाती है। ये किडनी में से, यूरिटर में से, गॉल ब्लैडर में से स्टोन्स को रिमूव करने के लिए या पथरी को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले तो फाइंड आउट किया जाता है लोकेशन को, स्टोन की लोकेशन को फाइंड आउट करने के बाद क्या किया जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड जो हैं दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बाहर से मशीन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उस लोकेशन पे रखा जाता है जिस जगह पे स्टोन मौजूद हो और उसमें से एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड हाई कंसंट्रेशन वेव्स जो हैं वो पास की जाती हैं, वो वेव्स बॉडी में मौजूद स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, ब्रेक करने के बाद उनको टाइनी पीसेस या सैंड में चेंज कर देती हैं और इस तरीके से ये जो सैंड है यूरिन के थ्रू स्टोन्स को बाहर निकाल देती है। डायग्राम में भी शो किया गया है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मशीन जो है वो काम करती है। दूसरी टेक्निक परकोटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन जनरली आप चलें देख लेते हैं इसको। इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मीन पूरे बॉडी को एनेस्थीसाइज कर दिया जाता है, बेहोश किया जाता है एक किस्म का। फिर उसके बाद स्मॉल इंसीजन दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि स्किन के ऊपर छोटा सा कट लगाया जाता है, कट उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे किडनी की लोकेशन होती है जिसमें स्टोन मौजूद होता है। फिर उसके बाद कैथेटर इंसर्ट करके बॉडी के अंदर, आप देख भी रहे हैं डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि इंसीजन करने के बाद कैथेटर को इनकॉर्पोरेट किया गया है और वहाँ पे लेज़र के ज़रिए फिर क्या किया जाता है, स्टोन को ब्रेक करके बाहर निकाल दिया उसी डिवाइस के ज़रिए जो बॉडी में कैथेटर इनकॉर्पोरेट की जाती है उसी के ज़रिए वो स्टोन सक करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। स्पेशली जो मीडियम या लार्ज साइज के स्टोन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी को जो फंक्शन अल्लाह ताला ने परफॉर्म करने के लिए दिया है वो उसमें फेल हो जाता है, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। नंबर वन, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं या केमिकल्स होते हैं जो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली ग्लोमेरुलस पार्ट जिसमें से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है। और दूसरी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट पैथोलॉजिकल और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उनमें से डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर जिसको आप कहते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे ADH लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है या उसमें डिस्टर्बेंस भी जो है वो किडनी फेलियर का कॉज हो सकती है। इसके अलावा इंटरप्शन इन ब्लड फ्लो, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो, आपको पता है किडनी 20% ईच कार्डियक बीट के साथ रिसीव करता है फॉर फिल्ट्रेशन, इसका फंक्शन ही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। तो जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट रीज़न हो सकती है ड्रग ओवरडोज, किसी भी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जब पेशेंट ड्रग यूज़ करता है तो उसकी ओवरडोज की वजह से किडनी को एक हेक्टिक रूटीन से पास करना पड़ता है जिसकी वजह से किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। अब किडनी फेलियर अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं हम लोग, या उसके कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिससे पता चलाया जा सकता है कि किडनी अपने काम करने में फ़ेल हो गया है।
नंबर वन तो है जी यूरिया, यूरिया की जो कंसंट्रेशन होती है या लेवल जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ हम ब्लड टेस्ट जब करेंगे और मेटाबॉलिक वेस्ट और यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी तो वो किडनी फेलियर को की तरफ इशारा करेगी या उसको इंडिकेट करेगी। इसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, और एज अ रिज़ल्ट जो लेग फीट या फेस उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ये अक्सर देखा गया है कुछ लोगों के हाथ पांव सूजे हो ना तो देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इस बंदे का किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसके साथ साथ दूसरी जो सिम्टम है वो अपीयर हो सकती है वो है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा हो जाना। यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, इसके साथ साथ ये अनीमिया भी कॉज करेगा, मतलब एच बी कम हो जाएगा बॉडी के अंदर और साथ साथ बीपी जो है वो रेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब किडनी फेलियर को ट्रीट कैसे किया जाता है? जो किडनी फेलियर के लिए ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको डायलिसिस का नाम देते हैं। डायलिसिस दो तरह का होता है, एक कोट सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक टाइप को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरी टाइप को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। पहला हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। एब्डोमेन में पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी दैट इज़ लाइन बाय एन एपिथीलियम, और उस एपिथीलियम को हम पेरिटोनियम का नाम देते हैं। अब डायलिसिस कैसे किया जाता है, स्क्रीन में राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है, एक बैग नज़र आ रहा है, इसको डायलिसिस बैग का नाम देते हैं। इस बैग के अंदर डायलाइजर फ्लूइड भरा होता है, उसको बॉडी के अंदर यानी पेरिटोनियम में से इंजेक्ट किया जाता है। पेरिटोनियम जो लाइनिंग मैंने बताया कि एपिथीलियम लाइनिंग होती है उसमें रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है यानी ब्लड सप्लाई होती है उसमें। क्या किया जाता है, इस बैग को अटैच कर दिया जाता है पेरिटोनियम के साथ जहाँ पे वेसल्स का नेटवर्क बिछा हुआ होता है। अब वहाँ पे वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो एंटर हो के क्या करता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से फिर उसको बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है कि और एक बैग में एक्युमुलेट कर दिया जाता है। उस बैग को हम ड्रेनेज बैग का नाम देते हैं। वो बेसिकली क्या कंटेन कर रहा होता है, वो वेस्ट मेटाबोलाइट्स कंटेन कर रहा होता है जो कि पेरिटोनियम के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इस तरह से ब्लड जो है वो फिल्टर कर लिया जाता है। सेकेंड टाइप डायलिसिस की हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है, हीम का मतलब ब्लड, कि डायलिसिस का वो मेथड जिसमें डायरेक्ट ब्लड को क्लीन किया जाता है। हीमोडायलिसिस फर्स्ट लाइन उसकी डेफिनेशन भी मेंशन है कि हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है, इस प्रोसीजर में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, इस मशीन को डायलाइजर मशीन का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर एक्ट करती है। तो दोनों जो मेथड्स हैं डायलिसिस के, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल, सेम प्रिंसिपल पे एक्ट करते हैं। तो डायलाइजर दोनों में यूज़ किया जाता है जो एक्ट करता है एज अ आर्टिफिशियल किडनी। इसका फंक्शन ये होता है ये एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को, वेस्ट मेटाबोलाइट्स को और एक्स्ट्रा फ्लूइड या वाटर जो बॉडी में होता है उसको रिमूव कर देती है। अब हीमोडायलिसिस के लिए जो डायलाइजर इस्तेमाल किया जाता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट, दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए एक थिन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड एक पोर्शन से पास किया जाता है और दूसरी साइड पे डायलिसिस फ्लूइड रखा जाता है। इस डायलिसिस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल या एक्सेस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जब ब्लड दूसरे पोर्शन में से पास कर रहा होता है, और इस तरह से ब्लड प्योरीफाई होने के बाद अगेन पेशेंट ऑफ द बॉडी में इंजर्ट कर दिया जाता है। और डायलिसिस पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस करवाया जाए। अगर सपोज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की जाती है जो नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे।
और यहाँ पे स्क्रीन पे सामने हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर दिखाया गया है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या किया गया है, दो नीडल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं, एक ब्लड वो क्या कर रही है बॉडी में से निकाल रही है, और आफ्टर क्लीनिंग दूसरे डायलाइजर में पास होने के बाद दूसरी नीडल से ब्लड जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है पेशेंट की बॉडी के अंदर। रीनल फेलियर के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरेमिया। यूरेमिया को दूसरा नाम एक दिया जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहा जाता है। ये बेसिकली हाई डिग्री रीनल फेलियर होता है, इसमें किडनी जो है वो बिल्कुल फंक्शन छोड़ देता है। फिर इसका सोल्यूशन या क्योर या ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि जो डैमेज्ड किडनी है या जो किडनी फंक्शनिंग छोड़ गया है कम्प्लीटली, उस किडनी को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए पेशेंट से, और एक न्यू या हेल्दी जो है किडनी वो उसकी जगह रख दिया जाए, उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं। अब जिस बंदे का किडनी रिमूव किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसको रिसिपिएंट का नाम देते हैं, और जिससे किडनी हेल्दी किडनी लेके पेशेंट को दिया जाता है उसको हम डोनर का नाम देते हैं। तीन चीज़ें जब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं, तीन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। नंबर वन, जो डोनर किडनी यानी जिससे हम किडनी ले रहे हैं उसका किडनी हेल्दी होना चाहिए। नंबर टू, टिश्यू मैचिंग लाजमी होनी चाहिए। टिश्यू मैचिंग इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी समटाइम जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, इस वजह से टिश्यू मैचिंग जो है वो ज़रूरी होती है। तीसरी, हमेशा ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट का एंड डोनर का वो चेक करना चाहिए कि वो सेम है या नहीं। ये तीन चीज़ों को हमेशा किडनी ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान माइंड में रखना चाहिए। डोनर से किडनी लेने के बाद पेशेंट की बॉडी में जब रख दिया जाता है या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किडनी, तब सबसे पहला काम ये किया जाता है कि पेशेंट के ब्लड से उस किडनी को अटैच किया जाए, इस वजह से कि हमें पता है किडनी का काम क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड या यूरिन फॉर्मेशन है, तो इस वजह से सबसे पहले क्या काम किया जाता है, ब्लड के पेशेंट के ब्लड सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पेशेंट के ऑर्गन जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसके साथ उसको अटैच किया जाता है। देन उसको यूरिनरी सिस्टम के साथ प्रॉपर अटैच कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन वो स्टार्ट कर दें। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन अगर हम एवरेज लाइफ किडनी की जो ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी लाइफ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 ईयर्स हो सकती है। सम टाइम क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन फेल भी हो जाती है। जब फेल हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, डिफरेंट कॉजेज नीचे गिवन भी हैं, तो उसमें फिर अल्टीमेट सोल्यूशन ये होता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गई है उस किडनी को फिर अगेन रिमूव किया जाए और उसकी जगह एक नया किडनी जो है वो प्लेस किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए। ट्रांसप्लांटेशन फेलियर की डिफरेंट यहाँ पे कॉजेज मेंशन की गई हैं, वो है नंबर वन, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नंबर टू, इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट्स। नंबर थ्री, बोन प्रॉब्लम्स की वजह से। बोन प्रॉब्लम्स इस वजह से कि बोन्स जो है वो सॉल्ट्स अकोमुलेट करते हैं, मतलब अकोमुलेशन ऑफ सॉल्ट होती है, कैल्शियम होते हैं, फॉस्फेट स्पेशली, इस वजह से। या थर्ड वन, फोर्थ वन जो है वो अल्सर भी इसका कॉज हो सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर इसको डिटेल से सुने और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे सेंड कर सकती हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा उस चीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।